टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में पीएम नरेंद्र मोदी भी जगह पा सकते हैं। फाइनल लिस्ट अगले महीने जारी की जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी की उन 6 तस्वीरों के बारे में बताते हैं जिसको सोशल मीडिया पर दिखाकर अक्सर आपसे झूठ बोला जाता है। मोदी की ये तस्वीरें कहां से फोटोशॉप करके बनाई गई हैं उसके बारे में भी बताते हैं। फ्लोर पर झाड़ू लगाते हुए नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 2014 के लोकसभा चुनाव में वायरल हुई थी। तस्वीर के बारे में बताया गया था कि ये नरेंद्र मोदी की रेयर फोटो है जिसमें वो 1988 के दौरान आरएसएस की रैली में झाड़ू लगा रहे हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद मोदी की काफी तारीफ की गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है। इसमें नरेंद्र मोदी का सिर कट करके पेस्ट किया गया है, बाकी धड़ किसी दूसरे शख्स का है। ये तस्वीर लोकसभा चुनाव के कुछ महीन बाद की है जिसमें दिखाया गया कि मोदी तुर्कमेनिस्तान में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन फोटो की कहानी कुछ और ही निकली। रियल फोटो तुर्कमेनिस्तान के पहले प्रेसिडेंट की कब्र का है जहां मोदी हाथ बांधे खड़े थे, लेकिन उसके हाथ को फोटोशॉप करके नमाज पढ़ते हुए दिखा दिया गया। मोदी के प्रभाव को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो व्हाइट हाउस में बराक ओबामा के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत में ओबामा की वाइफ को कट करके मोदी की तस्वीर को पेस्ट किया गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की स्पीच के प्रभाव को बताते हुए ये तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें टीवी स्क्रीन पर बराक ओबामा मोदी की स्पीच सुनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी फोटोशॉप थी। तस्वीर में सब सही था, लेकिन स्क्रीन पर मोदी की स्पीच नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा था। मोदी के पीएम बनने के बाद महबूब नाम से ये तस्वीर वायरल हो रही थी। इसमें ओबामा के साथ मोदी दिख रहे हैं, लेकिन तस्वीर फोटोशॉप थी। इसमें मोदी की तस्वीर को पेस्ट किया गया था। ये तस्वीर चेन्नई फ्लड के दौरान की है, तब नरेंद्र मोदी चेन्नई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। पीआईबी ने मोदी की फोटोशॉप की गई तस्वीर को ट्वीट किया था, जिसके बाद पीआईबी का काफी मजाक बना था। रियल तस्वीर में प्लेन से बाहर की तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही थी।